नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रजनीश में। दोस्तों, आज हम लोग मुगल साम्राज्य के पतन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस कड़ी में हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, तो आइए एक एक करके इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण बहादुर शाह जफर को, जफर यहाँ पे मिसिंग है, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो आपके ऑप्शन है इस प्रकार, 1858 ईस्वी, 1859 ईस्वी, 1861 ईस्वी, 1862 ईस्वी। दोस्तों, बहादुर शाह ने भारतीय क्रांतिकारियों को 1857 के विद्रोह में साथ दिया था, इसलिए 1858 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें रंगून भेजा गया, जहां उनकी मृत्यु हो जाती है 1862 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर होगा 1862 ईस्वी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल बादशाहों के संदर्भ में असत्य है? जहांदार शाह, लंपट मूर्ख, मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह, फरुख सियर, घृणित कायर, बहादुर शाह जफर, साहेब खबर। तो इसमें जो असत्य है वो ऑप्शन डी है, यानी कि बहादुर शाह जफर है, इसको साहेब खबर कहा जाता है। हालांकि बहादुर शाह को ही कहा जाता है साहेब खबर, लेकिन वो बहादुर शाह प्रथम है। बहादुर शाह जफर बहादुर शाह द्वितीय को कहते हैं, इसलिए इनमें से जो चौथा है वो असत्य है। तो ये असत्य है, देखिए सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तख्ते ताउस और सॉरी यहाँ पर होगा, तख्ते ताउस पर बैठने वाले अंतिम मुगल बादशाह कौन था? आपके ऑप्शन हैं जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, फरुख सियर, अहमद शाह। दोस्तों, जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था तो वो अपने साथ तख्ते ताउस को भी लेके चला गया था। तख्ते ताउस का निर्माण शाहजहाँ करवाया था। तो नादिर शाह जब आक्रमण किया था भारत पे, उस समय भारत के शासक थे यानी मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, जिन्हें रंगीला भी कहा जाता है। तो सबसे अंत में कौन बैठे? वही ना बैठे, तो मोहम्मद शाह यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की? आपके ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अकबर प्रथम। यहाँ पे सही आंसर होगा अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की और उन्हें इंग्लैंड भेजा था अपने पेंशन के संदर्भ में सिफारिश करने के लिए। तो सही आंसर यहाँ पे अकबर द्वितीय होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर अंतिम आक्रमण कब किए? दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली एक महत्वपूर्ण अफगानी आक्रांता रहा है, जो भारत में 7 आक्रमण किया। पहली बार उसने 1748 ईस्वी में आक्रमण किया था और अंतिम बार 1767 ईस्वी में उसने आक्रमण किया। तो सही आंसर होगा 1767 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, करनाल का युद्ध कब हुआ? करनाल का युद्ध कब हुआ? तो करनाल का युद्ध भारतीय इतिहास में इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह, यानी कि रंगीला बादशाह जो है, बहादुर मोहम्मद मुगल काल का जो रंगीला बादशाह, उसके बीच लड़ा गया था। और ये जो युद्ध हुआ था वो 24 फरवरी 1739 को हुआ था। अगला प्रश्न है, यहाँ पे सही आंसर होगा 24 फरवरी 1740, डी ऑप्शन। मैंने गलती से ए को टच कर दिया। तो 24 फरवरी 1739 को यह युद्ध हुआ था, जिसमें मुगल जो मीर बख्शी थे खाने दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? अभी हमने बात की रंगीला यानी मोहम्मद शाह, उस समय मुगल शासक था। तो सही होगा मोहम्मद शाह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम को साहेब खबर से किस इतिहासकार ने संबोधित किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो खाफी खान होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है? जो इसके सही आंसर होंगे सर जादूनाथ सरकार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे कम समय तक शासन करने वाले मुगल बादशाह कौन थे? आपके ऑप्शन हैं जहांदार शाह, रफीउद्दरजात और रफीदुद्दौला। तो इसका जो सही आंसर होगा रफीउद्दरजात, ये सही आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं। मुगलों के सिक्के किस बादशाह के समय आने बंद हो गए थे? दोस्तों, मुगलों के सिक्के जो थे वो 1834 ईस्वी में बंद कर दिए गए थे, और उस समय जो बादशाह थे वे कौन थे? तो अकबर द्वितीय थे। तो यहाँ पे सही आंसर अकबर द्वितीय होगा। लाल कुमारी नामक वेश्या के साथ किस मुगल बादशाह के संबंध थे? तो इसका जो सही आंसर होगा, लाल कुमारी नामक वेश्या के साथ जहादार शाह का संबंध था, ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के काल में बंदा बहादुर को फांसी की सजा दी गई थी? बंदा बहादुर को फांसी की सजा दी गई थी फर्रुखसियर के काल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय थे, जिन्हें बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे बहादुर शाह द्वितीय सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का क्या प्रभाव हुआ? ऑप्शन है, मुगल साम्राज्य कमज़ोर हुआ, सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ, अंग्रेज़ों की चिंता बढ़ी, इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो परिणाम के रूप में आया था, जो प्रभाव हुआ था, वो सिख शक्ति का उदय हुआ था। तो सही ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया? हालांकि जजिया कर को जब समाप्त किया था अकबर, तो बाद में उसे फिर औरंगजेब के द्वारा पुनः शुरू कर दिया गया था, लेकिन बाद में फिर जहादार शाह और फर्रुखसियर ने भी जजिया कर को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन मुहम्मद शाह के काल में 1720 ईस्वी में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ईस्वी मैंने मेंशन कर रखा है, 1720 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए? 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार। हालांकि लूसेंट में 8 बार लिखा है, लेकिन सही आंसर इसका 7 बार होगा। सातवीं आक्रमण 1767 ईस्वी में किया था, अभी हम लोग बात किए थे, तो सही आंसर यहाँ पे 7 बार होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फर्रुखसियर ने 1717 के शाही फरमान में किसे सहूलियत प्रदान की? यानी कि फर्रुखसियर के 1717 ईस्वी में जो शाही फरमान था, इसे किसको सहूलियत प्राप्त हुई? तो मुगल भूमि बंदोबस्त में सहूलियत प्रदान हुई, दिल्ली में मराठा शासन में सहूलियत प्रदान हुई, अंग्रेजों में बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार करने में सहूलियत प्रदान हुई, या दक्षिण भारत में फ्रांसीसी प्रभाव की स्थापना में सहूलियत प्राप्त हुई? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होना चाहिए, बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में सहूलियत प्रदान हुई थी, यह सही आंसर भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जेसुआ केटलर के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि मंडल किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? ये जो जेसुआ केटलर है, इसके नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि मंडल आया था, जो कि सॉरी इसका सही आंसर बहादुर शाह प्रथम के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी कौन था? अभी हमने बात की करनाल के युद्ध में, मुगल सेना का मीर बख्शी जो है वो खाने दौरान था, जो कि मारा गया था। उसके बाद इस ये पद जो है वो चिंगलिज खान को दे दिया गया था। यहाँ पे सही आंसर होगा खाने दौरान। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में अंग्रेजों का दिल्ली पे अधिकार हो गया? दोस्तों, अंग्रेजों का दिल्ली पे अधिकार 1803 ईस्वी में हुआ था। वो शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अली गौहर किस मुगल बादशाह का नाम था? तो ये नाम भी शाह आलम द्वितीय का ही था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सैयद बंदियों के दमन में निम्न में से किस गुट ने प्रमुख भूमिका निभाई? दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब का जो मुगल जो राज दरबार था, इसमें 4 प्रमुख दलों ने भूमिका निभाई थी, जिसमें एक थे अफगानी दल, तुरानी दल, ईरानी दल, हिंदुस्तानी दल। जो सैयद बंधु थे वो हिंदुस्तानी दल के थे, और इनके पतन में या इनके दमन में तुरानियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, निम्न मुगल शासकों में किसका शासनकाल सबसे कम था? निम्न मुगल शासकों में किसका शासनकाल सबसे कम था? आपके ऑप्शन है, बहादुर शाह, जहादार शाह, मुहम्मद शाह, अहमद शाह। जहादार शाह का बात की जाए तो इसके शासनकाल सबसे कम था, तो सही आंसर जहादार शाह होगा। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खान था, तो यहाँ पे सही आंसर होगा अहमद खान।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अधिकांश जो भी अफगानी आए थे या फिर जो भी उत्तर पश्चिम दिशा से आए थे, उनका मुख्य उद्देश्य धन दौलत ही लूटना था, क्योंकि भारत में उस समय धन की कोई कमी नहीं थी। तो इसका जो सही आंसर होगा, धन दौलत को लूटना ही होना चाहिए, और यह सही आंसर भी है। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? दोस्तों 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, और जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था इसमें अफगानियों ने मराठों को बुरी तरह से पराजित किया था। तो इस युद्ध में जो सही आंसर होगा वो शाह आलम द्वितीय होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 1700 यहाँ पे सही आंसर शाह आलम द्वितीय होगा, देखिए डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 1748 ईस्वी में सफदर जंग को अहमद शाह अब्दाली ने किस पद पे नियुक्त किया था? तो सफदर जंग को 1748 ईस्वी में साम्राज्य का वजीर के पद पे नियुक्त किया गया था, देखिए सही आंसर है। 29वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को अपने समय में समाप्त नहीं किया था? आपके ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, इनमें से सभी। तो ये जो सही आंसर इसमें होना चाहिए वो होगा अकबर ने भी समाप्त किया था, जहांदार साहब ने भी, फर्रुखसियर ने भी, तो औरंगजेब यहाँ पे लागू किया था, तो सही आंसर औरंगजेब होगा। अंतिम प्रश्न की ओर आते हैं। अंतिम प्रश्न है, औरंगजेब के उत्तराधिकारी हुए कौन? औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे, तो उनका जो बड़ा पुत्र था मुअज्जम, जिसका नाम था, वो 63 वर्ष की अवस्था में बहादुर शाह प्रथम के नाम से औरंगजेब का उत्तराधिकारी के रूप में मुगल शासक बना। तो सही आंसर यहाँ पे बहादुर शाह जफर होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अक्सर बोट में कभी कभार क्या होता है कि बोट नंबर कम शो करता है, तो एक्चुअल में वो नंबर कम शो इसलिए करता है क्योंकि कभी कभी ना क्वेश्चन मिस कर जाते हैं। अभी मैंने 30 प्रश्नों को बनाया है, लेकिन देखिए यहाँ पे करेक्ट हुए हैं 23, 3 गलत हुए हैं, 4 मिस्ड हैं। 4 मिस्ड इसलिए हैं क्योंकि 4 छूट गए, तो यही 4 नंबर और 3-7 नंबर कम करके यहाँ पे मेरा स्कोर दिखाएगा, देखिए 23 नंबर दिखा रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़कर क्विज देना चाहते हैं तो आप स्टडी विद रजनीश नाम से मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके हमें बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।